5 अगस्त 2019 ये वही तारीख है जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रद्द करने का फैसला किया गया था। यही वो फैसला था जिसका विरोध अमृतपाल सिंह ने खुलकर किया था और चर्चा में आ गया। जिस अमृतपाल को ढूंढने के लिए पंजाब पुलिस आज गलियों की खाक छान रही है, उस वक्त अमृतपाल ने घाटी से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का खुलकर विरोध ही नहीं किया बल्कि कहा था कि ये फैसला जबरदस्ती थोपा गया है। मोदी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर वहां कब्जा कर लिया। आज उसी अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस की टीम अब असम के डिब्रूगढ़ पहुंची है। पंजाब पुलिस अमृतपाल के कुछ समर्थकों को लेकर डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल लेकर पहुंची है। वहीं अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि अमृतपाल अपने खुद की प्राइवेट आर्मी बना रहा था और उसके विदेशों से फंडिंग की बात भी सामने आई है। उसमें हम ISI का एंगल, उनकी फॉरेन फंडिंग, हमें सस्पिशन है कि इसमें ISI का एंगल भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। एक और इसमें जो सामने आई है चीज़ के AKF, उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था, बहुत सारी राइफल्स, DP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उस पर भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह आया कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था, उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। भिंडरावाले की तरह बना रहा था खुद की आर्मी। पंजाब पुलिस जब अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा पहुंची तो उसके घर से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। अमृतपाल के पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा स्थित घर की तलाशी के दौरान पता चला कि अमृतपाल भिंडरावाले टाइगर फोर्स जैसा एक संगठन खड़ा कर रहा था। उसके घर से AKF मार्क वाली जैकेट्स बरामद हुई हैं। पुलिस ने AKF का मतलब आनंदपुर खालसा फोर्स बताया। इतना ही नहीं, घर के गेट और दीवार पर भी AKF लिखा मिला। गाँव में सन्नाटा, कोई बात करने को तैयार नहीं। आखिर अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब ने संगठन के अलावा AKF नाम की प्राइवेट आर्मी क्यों तैयार करना चाहता था? पुलिस इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए उसके साथियों से पूछताछ कर रही है। वारिस पंजाब दे का मुखिया बनने के बाद अमृतपाल का पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा सुर्खियों में आ गया था, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई के बाद उसके गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरफ जहां पंजाब पुलिस सख्त एक्शन में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल के रिश्तों को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे ही एक और रिश्ते की बात सामने आई है और वो नाम है पम्मा। पम्मा का नाम एक तरफ प्रतिबंधित संगठन बप्पर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ उसका रिश्ता खालिस्तान टाइगर फोर्स से भी है। अमृतपाल से कैसा रिश्ता, अमृतपाल और पम्मा का क्या रिश्ता है? पुलिस और जांच एजेंसियां इसकी तहकीकात में जुटी हुई हैं। वहीं पम्मा की बात की जाए तो पम्मा का पूरा नाम परमजीत सिंह पम्मा है। वो मूल रूप से पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह जिले का रहने वाला है। 1992 तक पम्मा छोटी छोटी वारदातों में शामिल रहा, लेकिन साल 1994 में उसने भारत छोड़कर पाकिस्तान की शरण ले ली और प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लिए फंड जुटाने लगा। बब्बर खालसा इंटरनेशनल खालिस्तानी संगठन है और ये भारत में भी प्रतिबंधित है। वहीं भारतीय एजेंसियों के मुताबिक भारत विरोधी एजेंडे की स्क्रिप्ट ISI ने काफी पहले तैयार कर ली थी। अमृतपाल दुबई में रहते हुए ही पाकिस्तान एजेंट्स के संपर्क में था और उसने वहां ट्रेनिंग ली। हालांकि अमृतपाल का दावा है कि वो अपनी आंखों का इलाज कराने वहां गया था। बहरहाल अमृतपाल अभी भी फरार है। पुलिस की दर्जनों टीमें उसकी तलाश में छापेमारी कर रही हैं। तो वहीं आज अमृतपाल को लेकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। पंजाब सरकार दायर याचिकाओं का जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।